जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आलमीर सिग्यान शर्मा को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। यह जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये जो है हम लोग क्षेत्रीय भाषा में माकर तेंदू के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में केंदू के नाम से जानते हैं। यह जो वृक्ष है, इनके जो औषधि गुण के बारे में और इनका तांत्रिक प्रयोग के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, यह जानकारी आपको लाभप्रद होगी, आपको भी भला होगा और दूसरों का भी भला कर पाएंगे। यह जो पेड़ देख रहे हैं, यह माकर तेंदू का, इनको जो है आयुर्वेदिक औषधि में बहुत बड़ा स्थान है इनका। इनके जो है पत्तों को आप पीस लेंगे, इनके पत्तों को पीस लेंगे एक लुगदी समान हो जाएगा, और जहाँ पे पैर दर्द हो रहा हो वहाँ पे हल्का उसको पहले पेस्ट समान बना लेंगे, ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसना है, पेस्ट से बना के उसको हल्का सा गर्म कर दे। गर्म करने के बाद में उस जगह पे लगा देने से, लगा करके उसको कम से कम आपको आधा घंटा रहने देना है, उसके बाद में इसको पुनः पानी से धो लें। इससे जो है दर्द जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इनके जो फल जो लाल लाल दो दिखाई दे रहे हैं, वो इनके फल हैं। इनके फल को जो है अगर आप धो करके उसको कूट करके पानी के साथ में अगर किसी व्यक्ति को बार बार लेट्रिन हो रहा है, बाहर तरफ जा रहा है, लूज मोशन हो गया है, तो उनको जो है पिला देने से जो है वह परेशानी जो है दूर हो जाती है। और यह खाने में कासा लगता है, इस कारण जो है ये तुरंत प्रभाव करता है। अब यह इसके तांत्रिक प्रयोग में इसके जड़ को अगर कुश नक्षत्र में विधिवत अगर ला करके आप अपने पास में रखते हैं तो उनके अनेक प्रयोग हैं। जैसे कि एक एक किसी को घर में अगर किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा बहुत घेर लिया हो तो उनको जो है पहना देने से उसके जड़ को एक इंच का उसके भूत पेत आदि सारी परेशानी दूर हो जाएगी, और सिर दर्द होना उससे भी निजात देता है। इसके पत्ते को और इसके छाल को दोनों को कूट करके अगर सिर में हल्का सा लगा दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो सिर दर्द जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उनका एक और प्रयोग है, यदि आप गाय भैंस रखे हैं और ज़्यादातर बीमार रहती है, खाना ढंग से नहीं खाती है, तो इसके 16 आंगुल जो है इसके डगाल को या फिर इसके जड़ को आप लाल धागा, काला धागा और सफ़ेद धागा तीनों से लपेट करके एक नारियल के साथ में उस स्थान पर अगर दबा देते हैं तो गाय की जितनी भी परेशानी है वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इनका एक और प्रयोग है, होली के दिन जिसको करना होता है, इसके डगाल को 16 आंगुल के बराबर, 16 इंच के बराबर ला करके आप जो भी मनोरथ कह करके आप यदि होलिका में अर्पण करते हैं, सफ़ेद चावल के साथ में अर्पण कर देते हैं धूप दीप के साथ में, तो आपके जो है घर में आर्थिक परेशानी हो वह बिल्कुल दूर हो जाता है, रोज़गार के नए अवसर बनते हैं, और आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी हो वो ठीक होती है। यह एक तांत्रिक प्रयोग है। इसका एक और प्रयोग है, यदि इसके पत्ते, डगाल, फल और इसके जड़ तीनों को आप कूट करके उसके बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में यदि कोई व्यक्ति ऐसे निरंतर सेवन करता है तो उसके पेट संबंधी जितने भी परेशानी हैं, अनपच, वो बिल्कुल ठीक होता है। पेट संबंधी जितनी भी परेशानी है वो ठीक होता है। पेट दर्द होना इससे बहुत कारगर या सिद्ध होता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसकी जानकारी सबसे आपको पहले मिल सके। और इसी तरह जानकारी पाने के लिए और जो गुप्त तरीके मंत्र इत्यादि जो ग्रामीण मंत्र हैं उनके सिद्धि और मंत्र जानने के लिए आप मेरे चैनल साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय महाकाल।